हाउ टू गिव क्रेडिट्स फॉर वीडियो क्लिप्स। दोस्तों अगर आप भी यूट्यूब से या अदर जगह से दूसरों के वीडियो क्लिप्स अपने वीडियो में यूज करते हो तो आपको एक बात का डर हमेशा रहेगा कि कहीं इन वीडियो क्लिप्स का ओनर हमें कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे दे, क्योंकि आप विदाउट उनकी परमिशन के उनके वीडियो क्लिप्स यूज कर रहे हो। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या कर सकते हो, तो दोस्तों ऐसे में आप ये कर सकते हो कि जिस किसी का भी वीडियो क्लिप्स आपने अपने वीडियो में यूज किया है उसे आप क्रेडिट दे दो। इससे दोस्तों ये होगा कि जिस किसी का भी अपने वीडियो क्लिप्स यूज किया है उसे भी समझ में आएगा कि हाँ, बंदे ने मेरी वीडियो क्लिप्स यूज की है और ये मुझे क्रेडिट दे रहा है, तो ये समझकर वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे। और दोस्तों एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्रेडिट देने का ये मतलब नहीं है कि आपके वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ सकता। वो दोस्तों उस वीडियो क्लिप्स के ओनर पर डिपेंड करेगा कि वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे या नहीं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप जो है अपने वीडियो में क्रेडिट दे देते हो उसका, तो उसे भी समझ में आएगा कि हाँ, इसने मुझे क्रेडिट दिया है, ये सोचकर दोस्तों वो आपको कॉपीराइट ना दे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप दूसरों की वीडियो क्लिप्स यूज करते हो तो आप उसे क्रेडिट दे दो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि वीडियो क्लिप्स का क्रेडिट कैसे दे, क्रेडिट आपको कहां पर मिलेगा, क्रेडिट आपको कहां पर देना है और क्रेडिट देने के कितने तरीके होते हैं, वो सारा दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि क्रेडिट देने के कितने तरीके होते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट आप दो तरीकों से दे सकते हो। पहला तरीका दोस्तों ये है कि अगर आप यूट्यूब से किसी क्रिएटर की वीडियो क्लिप्स यूज करते हो तो क्रेडिट आपको जो है वीडियो के कॉर्नर में ही शो कर देना है, ठीक है। तो अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हाँ, क्रेडिट कैसे देना है वो तो हमें पता चल गया, पर क्रेडिट में हमको देना क्या है, तो ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों क्रेडिट में आपको जो है उस चैनल का नाम देना है जहाँ से आपने वो वीडियो क्लिप्स यूज की है, उस चैनल का नाम आपको जो है क्रेडिट में दे देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको जो है उन वीडियो क्लिप्स का क्रेडिट दे देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये तरीका था क्रेडिट देने का अगर आप यूट्यूब से वीडियो क्लिप्स उठाते हो तो, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि अगर आप फेसलेस वीडियो बनाते हो, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, ऐसा अगर आप वॉइस ओवर वीडियो बनाते हो तो उसके लिए दोस्तों हम जो है कई वेबसाइट से फ्री स्टॉक वीडियोस लेते हैं, मतलब ये जो कॉपीराइट फ्री वीडियोस होते हैं वो हम कई वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कई वेबसाइट में क्या होता है कि वीडियो जो है वो कॉपीराइट फ्री तो होता है, पर दोस्तों उसको जो है क्रेडिट देने की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसे दोस्तों एट्रिब्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्रेडिट दोस्तों आपको जो है कहां देना है, तो दोस्तों वो क्रेडिट जो है आपको जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देना है, कुछ इस तरह से वीडियो क्लिप्स बाय इस तरह से टाइप करके आप जो है वीडियो क्लिप्स का क्रेडिट दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि अब यहाँ पर हमें जो है कौन सा क्रेडिट देना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों अगर किसी वीडियो क्लिप्स को क्रेडिट देने की रिक्वायरमेंट रहती है तो वहाँ पर लिखा रहता है कि एट्रिब्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब आपको जो है उस वीडियो क्लिप्स का क्रेडिट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है, ठीक है। तो वहाँ पर ही दोस्तों आपको जो एक और ऑप्शन मिल जाएगा हाउ टू एट्रिब्यूशन, उस पर क्लिक करके दोस्तों आप ये जान सकते हो कि आपको जो है क्रेडिट कैसे देना है, क्या क्रेडिट में आपको जो है कोई लिंक को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है या फिर उन वेबसाइट वालों को ही क्रेडिट देना है, वो सारा दोस्तों आप वहां जाकर जान सकते हो, ठीक है। तो अगर आप वेबसाइट से वीडियो क्लिप्स यूज करते हो और उन वीडियो के लिए क्रेडिट देने की रिक्वायरमेंट है तो आप उन वीडियो क्लिप्स का क्रेडिट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो वीडियो क्लिप्स का क्रेडिट दे सकते हो, ठीक है। और इससे दोस्तों आपके चैनल पर कॉपीराइट का डर 80-90% कम हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह वॉइस ओवर वीडियो बनाते हो और आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए न्यू कॉपीराइट फ्री वीडियो क्लिप्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर मैंने 5 ऐसी वेबसाइट के बारे में बताया है जहाँ से आप न्यू वीडियो क्लिप्स डाउनलोड कर सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है।